शेर से, जब कुछ बनना पड़ा है तो देर से, कुत्ते लड़ा दिए शेर से। लोग सब यहाँ पे जमा हुए हैं इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए, और हम लोगों को प्राउड है कि वो एक वाहिद लीडर है जो अभी तक इतनी तकलीफें झेल रहा है पाकिस्तान में। ना उसने बीमारी का बहाना किया, ना वो बाहर मुल्क भाग गया कि मैं बीमार हूँ, और उस जैसा इंसान जो है ना, हम बहुत खुशनसीब हैं कि हमें वो मिले हैं एज अ लीडर, और हम उन्हें खोना नहीं चाहते। हमें वो आज़ाद चाहिए, वो हमें प्रेसिडेंट के तौर पर चाहिए, हमारी रिस्पेक्ट है, वो हमें लोग पहचानने लगे कि इमरान खान के जो हमारे कंट्री के जो प्रेसिडेंट बने हैं, कोई भी नहीं जानता जरदारी को, कोई भी नहीं जानता नवाज शरीफ को, सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं इमरान खान की वजह से, और हमें वो वापस चाहिए और हम उन्हें सपोर्ट करने आए हैं। लोग इमरान खान को सपोर्ट करने आए हैं कि इन्होंने उसको नजायज़ बंद किया है, उसको फिल फॉर आज़ाद कर दें। आज आई हूँ इमरान खान की सपोर्ट में। इमरान खान इतने लंबे से जेल में बेचारा, मैं इधर आई हूँ सपोर्ट देने के लिए। एंड जो हमारा गवर्नमेंट कर रहा है पाकिस्तान का, वो बहुत गलत कर रहा है, इसलिए हम सब इधर जमा हुए हुए हैं प्रोटेस्ट के लिए। ये कि हम सबको मिल के आवाज़ उठानी चाहिए और अपने मुल्क को तरक्की देनी चाहिए। जो एक लीडर हमारे मुल्क के लिए कर रहा है, हम कुछ भी नहीं कर रहे। हम अगर यूरोप में भी बैठ, जहाँ भी कोई बैठा, सब लोग बाहर निकले, आवाज़ निकालें। और नवाज शरीफ है क्या? ब्रांथर रोड में वो लोग एक कहते ना सड़कों पे बैठने वाले, मेरे वालिद साहब रियाज बटालवी थे, ब्रांथर रोड में हम लोगों का बिजनेस था, हमने बचपन में देखा वो लोग क्या है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जाहिल अनपढ़ लोग हैं। इमरान खान जो है वो एक बहुत ताकत चीज़ है, ईमानदार है। सबसे बड़ी बात उसमें देखो किसका हाथ है, मेरे नबी का उसके सर पे हाथ है। इंशाल्लाह ताला वो ज़रूर रिहा होंगे, इंशाल्लाह मेरा पूरा यकीन, हमें पूरा यकीन है। यहाँ इमरान खान के इस जलसे में आए हूँ, उसके हिमायत में, उसकी मोहब्बत में, उसके प्यार में, उसके लिए दुआ करती हूँ कि इमरान खान जल्द से जल्द जो बेकसूर को बंद किया हुआ है, ये जो बैंक जिन्होंने भी बंद किया, अल्लाह पाक इनको नेस और नाबूद करे, पूरी नस्ल के साथ करे। इतनी बददुआ है, इतनी उनके लिए, हमारे लिए नफरत है ना, उन्होंने आवाम पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद कर दिया है। लोग दुनिया तरक्की कर रही है, पाकिस्तान पीछे जा रहे हैं, लेकिन इनकी अयाशियाँ ही नहीं ख़त्म हो रही हैं। जो महारानी बैठी हुई है ना, मरियम नवाज, उनके तो नखरे ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। ठीक है, इस दुनिया में कर लो, आगे भी तो उसने भी मरना है, फिर पता चलेगा। हो सकता, मैं तो कहती कि मुझे दुनिया में दिखाए ताकि लोग, दूसरे लोग इससे इबरत हासिल करें कि गलत के साथ नाइंसाफी नहीं करो, सही के साथ। यही है, और दुख है हमें कि अल्लाह ताला के इमरान खान को कामयाब कर दे, उसके लिए आसानी, और उसे हिम्मत दे और ताकत दे, उसके लिए हर मुश्किल को आसान कर दे अल्लाह पाक, उसको ज़िंदगी दे। और मैं क्या कह सकता हूँ, है तो बहुत सारी बातें करने के लिए, तो अल्लाह से यह दुआ कि मैं उसके लिए हर कदम कदम पे दुआ करती हूँ। यहाँ बैठी हुई मैं, हॉलैंड में बैठी हुई मैं, पाकिस्तान में भी नहीं हूँ, लेकिन मेरी दुआ इमरान खान के साथ है, हर दम उठते बैठते करती हूँ दुआएं। यकीन माने रोज तस्बीह लेके बैठती हूँ, खास दुआ पढ़ती हूँ, किसी ने बताया कि पढ़ा करो, मैं वो भी पढ़ती हूँ, मैं जबकि खुद इतनी बीमार बहुत देर बैठ भी नहीं सकती हूँ मैं। इस वक्त हम लोग एम्स्टर्डम डैम स्क्वायर पे आए हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने लीडर इमरान खान के लिए, उसको जो झूठे बेकसूर बंद किया हुआ है उसको रिहा करे, उस पर सारे जो इल्ज़ाम है सब झूठे, उस पर जो भी कहते हैं इसका वोटिंग के वक्त हुआ है उसके साथ सब झूठ है। यहाँ तक हॉलैंड में सब बातें, बच्चों को स्कूल में बता रहे हैं कि ये पहली दफ़ा है कि स्कूलों में बताया जा रहा है कि एक वोट के लिए लोगों को 3 दिन वेट करना पड़ा है, इंटरनेट काटा जा रहा है, नेटवर्क कुछ भी नहीं है। तो ये सब हम लोग इसलिए खड़े हुए, नेट बंद करें इसलिए खड़े हुए कि इसको रिहा किया जाए और हमारा पाकिस्तान फिर आज़ाद हो। जी अब आज हम इधर आए हैं, सब बहनें और भाई हैं, इमरान खान के बहन भाई हैं, ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, जो हम अपने पाकिस्तान की कौम के लिए खड़े हैं, फाइनल कॉल पे आए हैं, निकले हैं उनके लिए। उनको रिहा करो, हमारे लीडर इमरान खान को रिहा करो, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिहा करो, यास्मीन राशिद को रिहा करो, और हमारा मैंडेट वापस करो। हमें एक ट्रू डेमोक्रेसी चाहिए पाकिस्तान में, उसके लिए हम निकले हैं। हमारे बाहर के मुल्कों में भी एक डेमोक्रेसी है, हम चाहते हैं हमारे पाकिस्तान में भी डेमोक्रेसी हो, जो कौम जिसको चुने वो गवर्नमेंट आए। इमरान खान पर जो भी केसेस बनाएंगे वो पोलिटिकल बेस्ड हैं, और इमरान खान के समेत जितने भी पोलिटिकल वर्कर्स जेलों के अंदर डालेंगे, उन्हें जेलों से निकाला जाए, रिहा किया जाए, और पाकिस्तान के अंदर रोल ऑफ लॉ का
रोल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाए। यहाँ पर प्रोटेस्ट करने आए हमारे लीडर के लिए, इमरान खान के लिए, उनकी रिहाई के लिए और करप्शन के खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाने के लिए आए। तो अल्लाह करे हमारी आवाज़ ये देखें जी, इमरान खान के सपोर्टर पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, जो पुलिस है, जो जितने भी इदारे हैं, उन्होंने पूरे पाकिस्तान को बंद किया हुआ है क्योंकि सिर्फ एक इंसान को नीचा दिखाने के लिए। तो ये जंग वो हार चुके हैं, ये खुद भी जानते हैं, सिर्फ मान नहीं रहे। तो पाकिस्तान का भला इसमें है, पाकिस्तान की भलाई इसमें है कि खान साहब को बाहर निकाला जाए, खान साहब से बात की जाए और आगे का ला अमल लेकर चलना चाहिए कि पाकिस्तान को आगे कैसे लेके जाना है। जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं इसमें सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आ रही है और वो है पाकिस्तान की तबाही। पाकिस्तान में जो आवाम इख्तियार कर रही है उन्हें ये कहना चाहता हूँ कि आप जब इख्तियार के लिए निकलें तो एक पाकिस्तान का झंडा लेकर निकलें। इमरान खान से लोग किस कदर प्यार करते हैं ये देखें, इस एज ग्रुप के लोग भी जो है वो इमरान खान की मिलेगी वरना कभी नहीं मिले। हमारी एक ही आवाज है कि नाअहल हुकूमत है और ये 47 के जरिए से हुकूमत में आई है, लेकिन ऐसे लोगों को बार बार हुकूमत नहीं मिलनी चाहिए, उन्हीं को मिलनी चाहिए जो आवाम का पाकिस्तान का दर्द रखते हैं। और अभी तक जो साबित हुआ है उनमें से एक ही लीडर है जो कि इमरान खान है। दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है कि हर वो आदमी जो अपना इलेक्शन हारा हुआ है वो इस वक्त मिनिस्टर बना हुआ है और जो डिजर्व करते हैं उनको उनको पूरी दुनिया को पता है इस बात का। तो फॉर गुडनेस सेक पाकिस्तान की रेपुटेशन के लिए ही इसको जरा जस्टिस में लेकर आए। एक आदमी जो 6 सीटें जीता हुआ है, 6 सीटें दैट पाकिस्तान का रिकॉर्ड है, उसको जरा छोड़े तो सही। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है कि उसको रिहा करो, आप उसको फिर नहीं रिहा कर रहे। जहाँ जिस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी जा रही उसमें क्या जस्टिस मिलनी है। पाकिस्तान में एक जाली हुकूमत कायम है, वो 47 की पैदावार है और जिसके ऊपर उन्होंने नजायज तरीके से आर्मी के साथ मिलकर और अदलिया के साथ मिलकर उन्होंने जराइम पेशा लोगों को पाकिस्तान का हुक्मरान बना दिया है और पाकिस्तान का हर फर्द ये जान चुका है कि ये फौज और अदलिया के बगैर ये काम नहीं कर सकते थे। हम उसके खिलाफ यहाँ पे साफ प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं। तो ये जो रजीम है इस वक्त पाकिस्तान में ये नाकाबिले बर्दाश्त है। आज ये जो गैदरिंग हो रही है ये इमरान खान को रिलीज करने के लिए, ये सिर्फ इमरान खान नहीं ये पाकिस्तान को रिलीज करने के लिए हो रही है। पाकिस्तान को रिहा करें प्लीज, उसके लिए उठें। इमरान खान को क्या जरूरत है, हमने तो होश संभाली है तो इमरान खान को एक हीरो ही देखा है जो पाकिस्तान के लिए लड़ रहा है, पाकिस्तान की बका के लिए लड़ रहा है। जब से होश संभाली है उसको देखा है। इंसान को दो चीज़ों की जरूरत होती है, दो चीज़ों का भूखा होता है, एक दौलत और शोहरत। क्या उसके पास इस चीज़ की कमी थी? वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए, इसके लिए ये परचम उठा के ये प्रोटेस्ट कोई काम नहीं। खूनी इनकलाब लेके आए तभी वो बाहर निकल सकता है। पंजाब उठो, अपनी एक तारीख बनाओ। आज तक पंजाब की कोई अच्छी तारीख नहीं है, यही एक मौका है कि पंजाब को चाहिए उठे। और इसके लिए ये परचम प्रोटेस्ट ये कुछ भी नहीं है, खूनी इनकलाब लेके आए तभी कुछ हो सकता है। अगर पाकिस्तान को बचाना है तो इसी के लिए जो है ना आप उठें प्लीज, पाकिस्तान को रिलीज करवाएं, उसको रिहा करवाएं इन लोगों से, इन चोरों डाकुओं से, जो है ना यही एक तरीका है पाकिस्तान को बचाने के लिए। देखो आज ही हम डैम पे 24 नवंबर है, आज हम इधर सारे एहतजाज के लिए पूरा एमसर डैम से काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए हैं और जनाब हम गवर्नमेंट से कहते हैं कि इमरान खान को रहा करें। इतना पॉपुलर लीडर है, उस पर क्यों केस पे बनाई जा रहे हैं, खुदा का खौफ खाएँ। मेरी ये ख्वाहिश होगी, दुआ होगी और एक्सक्यूज़ होगी ना हमारे बड़े लीडरों के से, मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग अगर हो सके तो कोई सुलह का तरीका ढूंढे, ये मैं अपनी तरफ से गुजारिश करना चाहूँगा। यहाँ पे भी बहुत जोश है, पीटीआई की तरफ से भी जोश है, दूसरी तरफ से भी जोश होता है। बेहतरीन हल मुल्क के लिए ये है कि कोई सुलह की कोई सिचुएशन बनाए, मेहरबानी होगी, बहुत शुक्रिया।